यू व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूँ अभी और का स्वागत करता हूँ आज के नए वीडियो में। कितने दिन बाद मैं मेडिकल वाली वीडियो बना रहा हूँ। और गाइस, कुछ सीजन ऐसे हैं जिन्हें बनाना बहुत ही जरूरी होता है आप लोग को, और मैं जो भी नॉलेज देता हूँ, अपने एक्सपीरियंस भी देता हूँ, जो जो मेरे साथ डॉग्स के साथ होता है वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ अपने डॉग के लिए। और मैं आज आपके लिए लेके आ रहा हूँ गर्मी के लिए, जो डॉग्स हमारे खाना नहीं खाते हैं, बहुत पतले हो जाते हैं, हेल्दी होके भी पतले हो जाते हैं, मतलब अजीब लगते हैं, तो उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो वैसे ये तो आपको पता होगा कि इंसान पे जब खुद पे नहीं आते तो उसको कुछ पता नहीं चलता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ, मेरे बैरों के साथ ऐसा हुआ कि वो पतला होते गया। आज के टाइम में वो बहुत ज़्यादा पतला हो गया, इसलिए मैं उसकी वीडियो भी नहीं डाल रहा हूँ इस टाइम पे। तो इग्नोर कर देना कुछ दिन के लिए, अभी वो फिर ठीक हो रहा है इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल रहा था। तो मैं आपको बता देता हूँ उसका क्या तरीका होता है, कैसे वो सही करेंगे। तो गाइस, मैं आपको दो तरीके की डाइट बताऊंगा, होम डाइट भी और जो प्रोफेशनली डाइट होती है डॉग्स की वो भी। और प्रोफेशनली तो हम लोग नहीं अफोर्ड करते, लेकिन होम डाइट आपको जरूर काम करेगा। और 1.5 महीने के अंदर गाइस गारंटी है मेरी, डॉग्स आपका मोटा हो जाएगा गाइस। तो गाइस, आप देख पा रहे हो मेरे पीछे में इतने सारे सप्लीमेंट्स रखे हैं, सारे मेरे डॉग्स के हैं। और मैं इन सारी चीज़ों पर वीडियो बना चुका हूँ, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, कमेंट में भी डाल दूंगा, आप जाके देख लेना सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जितने भी मैंने बताया आप जाके देख सकते हो। चलिए हम शुरू करते हैं टॉपिक। तो पहले प्रोफेशनली डाइट में बताऊंगा क्या क्या देना है आपको। उसके लिए आपको कुछ सप्लीमेंट्स देने रहते हैं, जैसे आपको सारे चीज बैलेंस करना है, मल्टी विटामिन, कैल्शियम विटामिन, कैल्शियम प्रोटीन, ये सारी चीज मेंटेन करना पड़ता है डॉग्स का, इसीलिए वो खाते हैं और वो हेल्दी होते हैं। तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे गाइस घर पे बिना सप्लीमेंट के। तो आप ये सप्लीमेंट्स मैं आपको दिखाई, ये है कैल्शियम, ये गाइस मैनकाइंड का पेट मैनकाइंड का कंपनी का है, इसके बारे में बताता हूँ इसको साइड रखते हैं। और ये है गाइस मल्टी विटामिन, जो सारी विटामिन हमारे डॉग्स को दे देगी, मल्टी विटामिन जो साइड रखते हैं बताते हैं। और गाइस ये सबसे मेन लीवर टॉनिक, तो गाइस इसी की वजह से हमारे डॉग्स नहीं खाते हैं। ये तीनों सप्लीमेंट्स आपको देना है। और गाइस उसके साथ आपको कुछ अच्छा ब्रांड का फूड देना है, ये नहीं कह रहा हूँ रॉयल कैनिन ही दो और फोकस ही दो, आप पेडिग्री भी यूज कर सकते हो, कोई भी दे सकते हो, मतलब ये नहीं कि इतना महंगा नहीं है आपके पास, तो आप जो दो वो दो, लेकिन इन सबके साथ फीड देना अगर आप प्रोफेशनली डाइट दे रहे हो। तो गाइस शुरू करते हैं लीवर टॉनिक के साथ में। ये लीवर टॉनिक कब देना है, कितने दिन तक देना है और कैसे देना है? तो गाइस अगर आपका एडल्ट डॉग है तो आपको 10 ml देना है। और गाइस इसको देना है, ये नहीं कि आप 1-1.5 महीने दो बस, इसको आप 7-8 दिन देना है आपको, 10-10 ml शाम के टाइम में अगर बड़ा डॉग है, और छोटा डॉग है तो 5 ml आप दे सकते हो, उस पर लिखा रहता है इसके बॉक्स के पीछे, आप देख लेना। तो गाइस मैं बता देता हूँ कि इसको कैसे देना। पहले तो आपको डिवर्मिंग कर लेनी है डॉग्स की, किसी भी कंपनी की दवा से कर सकते हो, इजी पैट आता है, कई सारी दवा आती है उससे आप उसके डिवर्मिंग कर सकते हो। और उसके बाद इसको स्टार्ट करो 7-8 दिन के लिए, इसको यूज़ करो आप, और फिर आप यूज़ करो डाइट में मल्टी विटामिन और कैल्शियम। गाइस अगर इस ब्रांड का आपको मल्टी विटामिन और कैल्शियम लेते हो तो काफ़ी सही है, अगर बाहरी ब्रांड लेते हो तो उसमें देख लेना मल्टी विटामिन कहीं कैल्शियम तो नहीं है, तब आप कैल्शियम मत यूज़ करना। लेकिन इसमें कहीं भी कैल्शियम नहीं है तो आप ये वाले यूज़ कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप दोनों दे सकते हो साथ में, 10-10 ml एडल्ट डॉग है तो 5-5 ml अगर छोटा डॉग है तो। तो गाइस अब बताते हैं डाइट आपको देना कैसे है, तो आपको कैसे यूज़ करना है, क्या देना है। गाइस पहले तो आप जो भी फीड ले रहे हो उस फीड को आप बॉयल कर लो या फिर फुला लो, जब वो फूल जाए तो उसको आप राइस में मिला दो, और उसमें अगर आप कर्ड या फिर फीड जो भी देना चाहते हो उसमें आप वो दे सकते हो। और उसमें 10-10 ml सुबह के टाइम ये मिला देना है आपको। डॉग मोटा करना है तो ये करना पड़ेगा गाइस जरूर, नहीं तो डॉग को लॉस एपेटाइट की डिजीज हो जाएगी और वो धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा कमजोर हो जाएगा, फिर आपको ड्रिप भी लगवाना पड़ सकता है, कुछ भी पड़ सकता है, उससे बढ़िया आप ये यूज़ कर लो पहले ही। तो मैं बता देता हूँ आपको, इसको आपको सुबह डाइट में जो भी आप देते हो फीड मिला के उसमें आपको दे देना है, राइस में या फिर रोटी में जिसमें भी आप देते हो फीड उसमें मिला के आपको इसको दे देना है गाइस अपने डॉग्स को, 10-10 ml ये। और गाइस इसको साइड में रखते हैं, आते हैं इस पर। और इसको शाम के डाइट में आपको देना है, जब डिवर्मिंग करने के 1 दिन बाद शाम के डाइट में आपको देना है, 8 दिन तक लगातार देना है, 10-10 ml शाम के डाइट में आप पिला दो। और गाइस दोपहर की बात करें तो दोपहर में गाइस आप अपने डॉग को बस कर्ड पिलाओ, गाइस पानी मिला के कर्ड या फिर मिल्क, अगर डॉग को बचाना है गर्मी में तो जरूर पिलाना गाइस। अब आते हैं गाइस हमारी होम डाइट पे। गाइस अगर आप होम डाइट देते हो तो आपको हमको भी पता है, आपको पता है आप क्या देते हो होम डाइट में, मिल्क देते हो या फिर कर्ड देते हो, दोनों चीज़ में से एक चीज़ आप देते हो तो वो डॉग को गाइस उसका भी मन भर जाता है, उसको उसके मन की डाइट दोगे ना तो गर्मी में भी खाएगा। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे देना है डाइट। बहुत लोग कहते हैं कि गर्मी में एग नहीं देना चाहिए गाइस, लेकिन एग आप दो उसके मन के लिए दे दो कि वो खा ले डाइट अपनी पूरी, उसमें ये सारे सप्लीमेंट्स जैसे मैंने बताया प्रोफेशनली डाइट में उसी तरीके से देना है, सुबह के टाइम में ये दोनों मिला के देना है और शाम के टाइम में ये, उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने बताया अभी उस तरीके से आपको देना है। बस उसमें आधा एक टाइम डाल दो, आधा एक टाइम डाल दो गाइस, दोनों टाइम आधा आधा एक डाल दो, वो तुरंत खा जाएगा। और उससे उसके साथ अगर आप चाहो तो न्यूट्रेला भी यूज़ कर सकते हो, मतलब सोयाबीन, तो गाइस वो बहुत जल्दी हेल्दी हो जाएगा, 1.5 महीने के अंदर हेल्दी हो जाएगा और काफ़ी समय जाएगा। गर्मी में गाइस किसी ने इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई है, खाना नहीं खा रहा है, तो
मैं बता देता हूँ और अपने एक्सपीरियंस से मैं बना रहा हूँ, और मैं अपने डॉग की हेल्थ भी दिखा दूंगा गाइस, वो ठीक हो रहा है, और उसकी पहले वाली हेल्थ भी दिखा दूंगा गाइस कैसा हो चुका था। तो गाइस अगर आप होम डाइट दे रहे हो तभी आपको ये सप्लीमेंट्स यूज करने हैं गाइस उसी तरीके से, वरना इस सप्लीमेंट के बिना कुछ भी नहीं होगा। आप होम डाइट में कभी मेंटेन नहीं कर पाओगे ये तीनों चीज बैलेंस, तो आपको ये यूज कर लेना है गाइस। और ये बस एक से दो बार आपको करना है, फिर जब आपको लगे आप डिवर्मिंग करो तो हमेशा लीवर टॉनिक 7 से 8 दिन के लिए चला दिया करो अपने डॉग का, उससे डॉग खाएगा पिएगा मस्त रहेगा गाइस हमेशा की तरह। तो गाइस मैं आप इनको प्राइस बता देता हूँ आपको, इनका प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये तीनों का प्राइस है, और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और कमेंट में डाल दिया, दोनों में से आप जाके चेक कर लेना। फ्लिपकार्ट से लेना होगा तो आप ले सकते हो, काफ़ी सही प्रोडक्ट है, और मैंने आपका इसका रिव्यू दे दिया। और वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही डॉग्स की इन्फॉर्मेशन के लिए।